आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, या फ्लाईव्हील लॉक करके ये बोल्ट खोलना है, या देखिए अब इसकी टाइमिंग मिलाने जा रही है। एक ये निशान है, आपको निशान दिखा दें, एक ये निशान है और एक ये वाला निशान है, ठीक। कैम के दो निशान होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। अब क्रैंक का आपको निशान दिखा दें, जस्ट एक ये निशान है, इस पर निशान रहता है, आपको दिखा देंगे किस तरीके से। चेन पर निशान रहता है, आपको दिखा दें, देख सकते हो, एक ये निशान है कत्थे कलर का और एक ये निशान है, ठीक, कत्थे कलर का, इस पर दो निशान है, देखिए और एक ये, ये कैम के निशान होंगे। क्रैंक आपको दिखा दें, ये क्रैंक का निशान है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी टाइमिंग चेन हम मिला देंगे और इसके चैन पैड आपको दिखा दें, ये चैन पैड है, एक है एक बड़ा चैन पैड, ठीक। हम इसके दोनों चैन पर लगा दें, टाइमिंग मिला के टाइमिंग सेट कर देंगे, फिर अभी आपको दिखाएंगे, ठीक। टाइमिंग मिला दी, आपको टाइमिंग के मार्क दिखा दें, ये देख सकते हो, ये वाला डॉट जस्ट इस वाले डॉट पे रहेगा कत्थे कलर पे, और ये वाला डॉट देख सकते हो जस्ट इस वाला डॉट पे रहेगा, ठीक, कत्थे कलर का डॉट इस वाला डॉट पे रहेगा, ठीक है। और ये वाला डॉट देख सकते हो इस वाला डॉट पे रहेगा, ये वाला, ठीक है। और इसके चैन पैड हैं, एक चैन पैड ये, एक चैन पैड ये, ठीक। एक बोल्ट यहाँ पर लगता है, एक बोल्ट यहाँ पर लगता है, ठीक है। और एडजस्टर इसका 10 नंबर के दो बोल्ट इसमें लगते हैं, ठीक है। तो इसकी हो गई इंजन टाइमिंग, मैंने राउंड घुमा के देख लिया है, राउंड ओके है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा घुमा के देख लिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, या फ्लाईव्हील लॉक करके ये बोल्ट खोलना है, या यहाँ पर कोई चीज़ लगा के, मैंने टोक रिंच यहाँ पर लगा के बोल्ट खोल लिया, कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा पीछे भी घुमाओगे तो टाइमिंग आउट हो जाएगी, ठीक। आपको ध्यान रखना, टाइमिंग आउट नहीं करनी, ठीक है। तो हमने घुमा के देख लिया है, ओके, तो राउंड घुमा के देख लिया, ओके, यहाँ पर तो टाइमिंग इसकी ओके हो गई।